मैंने अध्यक्ष जी प्रश्न किया था माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि हमारे प्रदेश में टोटल कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं और कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ पूर्ण क्षमता से कार्यशील हैं। तो जवाब में आया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो कि पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष जी कि 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में, जिसमें स्वयं एक देश की ताकत है और यहाँ के मासूम लोगों की, जनता के वोट से सेंटर की सरकार बनती है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि ट्रॉमा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आए दिन हो रहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो, जिस तरीके से अभी रिसेंटली हुआ प्रयागराज में बम्बार्डमेंट और गनशॉट इंजरी, इस तरीके के केसेस हो, किसी तरीके के कोई घर में एक्सीडेंट्स हो जिसमें लोग गिर जाते हैं, या फिर बर्न इंजरीज जो कि बहुत ही कष्टदायक होती है, इनके ट्रीटमेंट्स इन ट्रॉमा सेंटर्स में होते हैं। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का अगर सेंट्रल का डेटा देखें तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो आपका स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, या फिर ग्रामीण की सड़कें हों। तो मेरा ये सवाल है अध्यक्ष जी कि जनपद बार ट्रॉमा सेंटर्स की स्थापना सरकार क्या कराएगी, और कराएगी तो कब तक कराएगी? क्या आपके इस कार्यकाल में आप आश्वासन देते हैं कि आप जनपद बार ट्रॉमा सेंटर्स को स्थापित करेंगे? साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि 30% से ज़्यादा जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, RBI डेटा के अनुसार वो बिलो पावर्टी लाइन है, और उसके बाद लो सोशियो इकोनॉमिक का हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई है। और जब भी इस प्रकार के ट्रॉमास होते हैं उसके कारण से बहुत गंभीर तरीके की चोटें लगती हैं, और उस व्यक्ति को ICUs में काफ़ी दिनों तक रहना पड़ता है, और उसका जो खर्चा है वो बहुत ही बड़ा आता है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहूँगी मंत्री जी से कि इस दौरान जब तक आप ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं वो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी हमारे लोग हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, वो जहां पे भी एडमिट होते हैं, क्या सरकार उनके उपचार का खर्चा उठाने के लिए तैयार है, और क्या आप आश्वासन देते हैं? और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब तक हम ट्रॉमा सेंटर स्थापित नहीं कर लेते हैं, उस दौरान में जितने भी हमारे अस्पताल हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों या फर्स्ट कॉन्टैक्ट जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कह रहे हैं, वहाँ पे जो भी हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अध्यक्ष जी, ATLS जिसको हम कहते हैं एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, इसकी एक कोर्स होती है जिसमें डॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि कभी भी जब भी ये ट्रॉमा के केसेस आए उन्हें किस तरीके से, किस प्रकार से हैंडल किया जाए। हर विभाग का डॉक्टर या हर डॉक्टर इस चीज को नहीं जानता है, तो क्या इसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोई एक इस तरीके की योजना बनाएगी कि सारे जो भी डॉक्टर्स इमरजेंसी में काम कर रहे हैं उन्हें ATLS के अंतर्गत उन्हें शिक्षित या प्रशिक्षण प्रोवाइड करेगी? माननीय मंत्री जी, मूल सवाल जो प्रश्न संख्या 1 था उसका ही लगभग रूपांतर है। हम पुनः कह रहे हैं कि हमारे पास 36 ट्रामा सेंटर है, 3 ट्रामा सेंटर पूर्ण रूप से है, चिकित्सकों की आप जानते हैं कमी है, हम लगातार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमने विज्ञापन निकाले हैं और उसको वेतन भी बढ़ाने के लिए लिखा है, पहले 2.5 लाख था, अब हमने 5 लाख करने का काम किया है। और इसके अलावा 9 ट्रामा सेंटर हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के, वो भी काम कर रहे हैं। हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वहाँ ट्रामा सेंटर के मरीजों का इलाज किया जाएगा, और टर्शरी केयर की सारी सुविधाएं मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो 75 के 75 में, उस लिए हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिया है ट्रेनिंग के लिए, संबंधित अधिकारियों से हम बात करके ये कर सकते हैं तो अच्छा है, हम इस पर अच्छा सुझाव है। डॉक्टर आदमी, कुछ पूछना आपने? अध्यक्ष जी, मैं एक तो पूछना चाहूंगी कि जो ट्रॉमा सेंटर्स का आश्वासन दिया जा रहा है उसका अगर समय सुनिश्चित हो जाए तो मुझे लगता है जितने भी विधायक गण यहाँ पे हैं वो अपने क्षेत्र में जवाबदेही के लिए कम से कम रेडी रहेंगे कि हाँ ये समय दिया गया है। और दूसरा मेरा एक निवेदन है मंत्री जी से कि जौनपुर जनपद में सिर्फ 4 बेड के ICU के साथ एक सिर्फ नाम के लिए ट्रॉमा सेंटर है जो सिरकोनी में काम कर रहा है, तो क्या वहाँ पे ICU बेड्स को बढ़ाया जाएगा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी? मंत्री जी, ICU बेड पर हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, कई जगह बेड बढ़ाए हैं और जौनपुर में भी बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या टाइम लिमिट? टाइम और बताने बढ़ाने, वो तो समय सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती किसी